हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। जय माता दी। स्टूडेंट्स, बच्चों, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अब तक हम मीन, कंबाइंड मीन, उसके बाद हमने देखा वेटेड मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अब हम एवरेजेस में पोजिशनल एवरेजेस की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। अब ये पोजिशनल एवरेजेस क्या होता है? तो पोजिशन से रिलेटेड पूरे पार्ट होते हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पे हमें चार पोजिशनल एवरेजेस को पढ़ना है, मीडियन, क्वार्टाइल्स, देन डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। अब मीडियन यानी क्या होता है? सेंटर में वो, ठीक है। यानी कि सपोज डेटा पूरी रेंज अगर आपको दी जाती है, तो थोड़ा सा हम ड्राइंग से समझेंगे कि ये पोजिशनल एवरेज मेंशन क्या करती है। वो अपनी पोजिशन के हिसाब से डेटा को स्प्लिट करती है। यानी अगर हम कहने चाहते हैं मीडियन के बारे में, अगर ऑब्जर्वेशन को सभी के लिए सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे, मिनिमम टू मैक्सिमम, देन लोएस्ट वैल्यू आपके पास होगी एंड हाईएस्ट वैल्यू आपके पास होगी बच्चों। तो मीडियन यानी क्या? एग्जैक्टली सेंटर में आएगा हमारा मीडियन, जिसे हम नोटेशन में एम कहेंगे। यानी 50% ऑब्जर्वेशन लेफ्ट साइड रहेंगे उससे एंड 50% ऑब्जर्वेशन राइट साइड। यानी मीडियन जो है वो पोजिशन में रहता है कि मीडियन की जो भी वैल्यू हो उससे 50% ऑब्जर्वेशन उससे कम होंगे, ठीक है। तो मीडियन जो है वो दो हिस्सों में डेटा को स्प्लिट करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें क्वार्टाइल्स की, तो क्वार्टाइल्स में चार हिस्से होंगे। सेम इसी तरह से लोएस्ट वैल्यू हम कहते हैं, हाईएस्ट वैल्यू डेटा को पहले अरेंज करना है अगेन असेंडिंग ऑर्डर में, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ। अब मीडियन एक था, हिस्से दो होते हैं। क्वार्टाइल्स हमारे पास तीन अवेलेबल है। Q1 का मीनिंग होगा 25%। Q1 की वैल्यू अगर आप ढूंढ लेते हो तो 25% ऑफ द ऑब्जर्वेशन उनकी वैल्यू Q1 जितनी या उससे कम होगी। सिमिलरली अगर हम कहते हैं Q2, तो नेक्स्ट 25% कह सकते हैं Q1 एंड Q2 के बीच में। और अगर मैं एग्जैक्टली Q2 कहूं, तो Q2 में क्या होगा? 50% + 25% 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस विल हैव वैल्यू Q2 और लेस देन। एंड अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये 50% हो जाए, तो Q2 को ही हम क्या कह सकते हैं? मीडियन। एंड और एक हमारे पास है क्वार्टाइल। क्वार्टाइल्स तीन है और 25% ऐड होंगे यहाँ पे हम कह सकते हैं। तो Q3 विल बी, अगर आप ऑब्जर्व करो Q3 की वैल्यू ढूंढ लो, तो टोटल 25 मिला के 75% ऑब्जर्वेशन विल हैव वैल्यू Q3 और लेस देन। एंड बाकी चौथा हिस्सा है Q3, अगर आप ढूंढ लेते हो तो आप कह सकते हो कि बाकी के 25% ऑब्जर्वेशन की वैल्यू Q3 से ज्यादा हो। यानी मीडियन एक था, हिस्से दो हुए, क्वार्टाइल्स हमारे पास तीन है, Q1, Q2, Q3, अल्टीमेटली Q2 को हम मीडियन ही कहने वाले, यानी Q1 एंड Q3 ढूंढना पड़े। तो तीन क्वार्टाइल्स है, हिस्से चार होते हैं। वैसे ही बच्चों अगर हम कहना चाहे, सेम पार्ट है फॉर डेसाइल्स, ठीक है। परसेंटाइल में भी यही कॉन्सेप्ट रहता है, तो वहां पे भी हम यही कह रहे हैं कि लोएस्ट वैल्यू होती है, देन हाईएस्ट वैल्यू होती है। D1 अगर मैं कहना चाहूं तो फर्स्ट 10% ऑब्जर्वेशन, यानी जो भी ऑब्जर्वेशन से अगर D1 की वैल्यू ढूंढ ली जाए, तो सभी ऑब्जर्वेशन की वैल्यू D1 या उससे कम होगी, जिसके अंदर D1 यानी डेसाइल का क्या है 10% होगा। सिमिलरली D2 हो तो 20%, D3 हो तो 30, D4 हो तो 40, D5 हो तो 50%। यानी अगेन मैं यहाँ पे भी कह सकता हूँ D5 का मीनिंग होगा एग्जैक्टली Q2 या M। तो तीनों की वैल्यू सेम होती है, पहले 50%, उसी तरह से D6, D7, D8 एंड D9। जैसे हमने कहा एक मीडियन होता है, दो हिस्से करता है डेटा के, क्वार्टाइल्स तीन होते हैं, हिस्से चार होते हैं, ठीक है। डेसाइल्स होते हैं नाइन है बच्चों, ध्यान रखना है। हिस्से कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड D9 के बाद वाला 10th पॉइंट, ठीक है। यानी 100% डेटा है, उसके 10 हिस्से आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करने मिलेंगे बाय यूजिंग डेसाइल्स। एंड
फाइनली परसेंटाइल्स में एक वैल्यू कम, यानी क्वार्टाइल्स है, क्वार्टाइल्स 4 हिस्से, तो Q3, Q1, Q2, Q3 डेसाइल्स 10 हिस्से होंगे एंड फॉर्मूला होगी D1, D2, Dn तक 9 तक की, एंड परसेंटाइल में 99 तक परसेंटाइल मिलेंगे, लास्ट में भी P99 यहां पे होगा हाईएस्ट वैल्यू। डेसाइल्स में 10% लेते हैं, परसेंटाइल में हर एक के लिए 1% मिलेगा, यानी अगर मैं P1 कहता हूं तो इट विल बी 1% ऑफ द डेटा विल हैव वैल्यू P1 और लेस देन P1, सिमिलरली P2 कह सकते हैं, और उसी तरह से अगर आप सेंटर में जाते हैं P50 अगर आए तो P50 इज नथिंग बट D5 Q2 एंड M। तो अगर कहना चाहे तो मीडियन, सेकंड क्वार्टाइल, फिफ्थ डेसाइल एंड 50th परसेंटाइल दे आर ऑलवेज सेम, तो 1-1% परसेंटाइल में स्प्लिट किया जाता है, इसी तरह से आप इसे समझ सकते हो, ठीक है। तो पोजिशनल एवरेज है, ये वैल्यू अगर आप ढूंढ लेते हो तो उतने परसेंट तक ऑब्जर्वेशंस होंगे या उससे कम, ये पूरा क्राइटेरिया है। पोजिशनल एवरेजेस का पार्ट जो है वो थोड़ा सा ये ड्राइंग करके हमने समझने का, नंबर लाइन जैसा ड्राइंग करके समझने का ट्राई किया है, एंड ऑलवेज याद रखना है ये ऑब्जर्वेशन आपको नोट करना है, ठीक है, दैट M is equal to Q2 is equal to D5 is equal to P50. ये हमेशा क्या होगा? सेम, ठीक है। तो उसी तरह से कहना है तो यहाँ पे Q1 कह सकते हो, Q1 यानी 25% एंड P25 will be also same, एंड उसी तरह से मैं और एक कहना चाहूँ तो Q3 is equal to P75, ठीक है। और डेसाइल्स में तो बहुत सारी वैल्यू है, D1 को हम कहेंगे P10, D2 यानी 20, तो P20, D3 को P30 एंड सो ऑन, मगर ये तीन ऑब्जर्वेशन है वो आपको, वो हमें एग्जाम्पल में बहुत ही हेल्प करते हैं। तो बच्चों पहले इसकी जो फॉर्मूला है उसको भी हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है, बुक के अंदर अच्छे से उसका पूरा एक टेबल दिया गया है, फिर भी हमें देखना तो जरूरी है। तो पहले हम फॉर्मूला का हिस्सा देख लेते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है हमारे इस चैप्टर का। So, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मीडियन की, तो मीडियन के लिए हम कह रहे हैं फॉर अनग्रुप्ड डेटा एंड डिस्क्रीट डेटा, फॉर्मूला लगभग सेम है, ठीक है। अनग्रुप्ड और डिस्क्रीट डेटा के लिए क्या, अनग्रुप्ड यानी उसे रॉ डेटा भी हम कह सकते हैं, तो फॉर्मूला जो है m इज इक्वल टू, हम कहते हैं उसे वैल्यू ऑफ n प्लस 1/2, अब हिस्से कितने होते हैं, मीडियन हिस्से 2 करता है तो डिवाइड बाय 2 होगा, n बाय 2 है तो ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब इसमें n के लिए थोड़ा अलग पार्ट रहता है, अनग्रुप्ड डेटा के लिए उसके अंदर n यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, खाली ये हिस्सा थोड़ा अलग रहता है, एंड डिस्क्रीट के लिए n खाली बदलता है, डिस्क्रीट डेटा में हम कहते हैं n इज इक्वल टू σfi, फ्रीक्वेंसी का टोटल, उसे हम कहते हैं हमारा n, ठीक है। तो दोनों में फॉर्मूला तो सेम है, मगर n के लिए थोड़ा सा वहां पे डिफरेंशिएशन रहता है, थोड़ा अलग रहता है। अब हम बात करते हैं फॉर कंटिन्यूअस डेटा, अगर हम बात करें कंटिन्यूअस डेटा के लिए तो फॉर्मूला जो हम मीडियन के लिए यूज करेंगे सेम वही हिस्सा हमें यूज करना होगा डेसाइल्स एंड क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल में m इज इक्वल टू लिखा जाता है l प्लस n बाय 2 माइनस cf अपॉन f इनटू c। अब इसके अंदर ये जो भी वैल्यूज है वो क्या मेंशन करते हैं, तो सबसे पहले जब भी m मीडियन ढूंढना होगा तो कंटिन्यूअस डेटा में होता क्या है, क्लासेस दिए जाते हैं, इंटरवल्स होते हैं 10 टू 15, 15 टू 20 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो हमें पहले मीडियन क्लास डिसाइड करना होगा, और मीडियन क्लास क्या होगा, तो दैट विल बी द क्लास हैविंग n बाय 2th ऑब्जर्वेशन, और वो हमें ऑब्जर्व करना होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इन CFI, ये समझने के लिए खाली मैं लिख रहा हूँ इन CFI, ठीक है। तो वो जब टेबल का भी मैं सम करवाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जब मीडियन क्लास डिसाइड हो जाए तो L क्या होगा, L विल बी द लोअर बाउंड्री पॉइंट
ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। तो लोअर बाउंड्री पॉइंट रहेगा वो मीडियन क्लास का, जो भी वैल्यूज हम ऑब्जर्व करने वाले वो मीडियन क्लास से रिलेटेड ही होगी। फिर एल के बाद जो है एन बाय टू तो आपको मिल जाएगा जब हम ये ढूंढेंगे तब। फिर आया फ्रीक्वेंसी, एफ कहा जाता है उसे बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। देन सी एफ, सी एफ यानी जो भी हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, जो कि चैप्टर टू के अंदर आ चुका है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे हम कहते हैं इट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास या फिर हम कह सकते हैं ऑफ द प्रीवियस क्लास ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के एग्जैक्टली एक जो पहले क्लास होता है उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसे हम कहते हैं सी एफ। बचा क्या, सी, सी इज नथिंग बट इट इज द क्लास लेंथ ऑफ मीडियन क्लास। ध्यान रखना बच्चों, खास क्लास लेंथ ऑफ मीडियन क्लास, जो आपका मीडियन क्लास है उसकी हमें क्या ढूंढनी होगी, क्लास लेंथ। तो ये जो पूरा हिस्सा है वो हमारा मीडियन का हुआ। सेम यही चीज हमें ऑब्जर्व करनी है क्वार्टाइल्स में भी एंड डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स में भी, सभी जगह पे यही हिस्सा होगा। खाली जो यहाँ पे हमने मीडियन में डिवाइड बाय 2 किया है उसकी जगह पे डेसाइल्स होगा तो डिवाइड बाय 10 होगा यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मेट पूरा वैसा ही, देख लेते हैं कैसा होगा। तो डेसाइल्स के बारे में ऑब्जर्व कर लेते हैं अब हम। उसके पहले क्वार्टाइल्स को देखते हैं। तो क्वार्टाइल्स में फॉर्मूला जो है, अगेन फॉर अनग्रुप्ड एंड डिस्क्रीट डेटा, उसके लिए फॉर्मूला क्यू जे हम लिखने वाले हैं। हमारे पास जो क्वार्टाइल्स है वो तीन क्वार्टाइल्स हो सकते हैं, 1, 2, 3। तो क्यू जे यानी वैल्यू ऑफ जे एन प्लस वन बाय क्वार्टाइल, यानी चार हिस्से करते हैं तो डिवाइड बाय 4 आएगा, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और जब भी हम डिस्क्रीट या फिर कंटिन्यूअस डेटा यूज करेंगे तब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं ये ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। तो वो जब एग्जांपल्स हमारे आने वाले हैं तब मैं समझाऊंगा। अब ये मैं फिर ये रिपीट नहीं कर रहा, इसके लिए भी अनग्रुप्ड डेटा हो बच्चों तो एन यानी आपको समझना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एंड डिस्क्रीट डेटा हो तो समझना है सेम, ठीक है। तो ये हिस्सा जो है वो सेम रहता है दोनों के लिए, फिर से मैं रिपीट नहीं कर रहा। फॉर कंटिन्यूअस डेटा तो ये हम सभी के लिए कॉमन समझने वाले हैं। कंटिन्यूअस डेटा के लिए फॉर्मूला क्यू जे हम लिखते हैं यहाँ पे, जिसके लिए हमें क्यू जे क्लास ढूंढना होगा। क्यू वन है तो क्यू वन क्लास, क्यू टू है तो क्यू टू क्लास, क्यू थ्री है तो क्यू थ्री क्लास, ठीक है। और फॉर्मूला होगी एल प्लस यहाँ पे आएगा जे एन बाय 4, यानी फर्स्ट क्वार्टाइल है तो 1 × n/4 यानी ओनली n बाय 4, सेकंड क्वार्टाइल क्यू टू है तो 2 n/4 यानी एग्जैक्टली n बाय 2 होगा, थर्ड क्वार्टाइल है तो 3 n/4 हो जाएगा, माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी। इसके अंदर बाकी प्रोसेस सेम है, क्यू जे क्लास कह सकते हैं हम, यानी इसके अंदर जैसे यहाँ पे हमने लिखा सेम वही हिस्सा होगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे क्लास हैविंग जे एन बाय 4th ऑब्जर्वेशन इन सी एफ, ठीक है। और उसके बाद एल जो है दैट विल बी लोअर बाउंड्री पॉइंट, बाकी सब चीजें सेम है, लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ क्यू जे क्लास जो भी हो, अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे तब पता चली जाएगा। देन उसके बाद सी एफ जो अभी अभी हमने बोला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, जो सेम है आप वही लिख सकते हो ऑफ क्यू जे क्लास। नेक्स्ट डेसाइल परसेंटाइल्स में खाली मैं फॉर्मूला मेंशन करूंगा, बाकी चीजें सेम होगी, सेम टू सेम रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं रहती यहाँ पे। एंड हम यहाँ पे कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू जे क्लास, ठीक है, पार्ट वही रहता है। एंड सी विल बी द क्लास इंटरवल या क्लास लेंथ ऑफ क्यू जे क्लास।
ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्वार्टाइल वाला हिस्सा, वैसे ही डेसाइल्स है एंड परसेंटाइल्स है। सभी के लिए सेम फॉर्मेटिंग रहता है बच्चों, ज्यादा मैं डिस्कशन इसमें नहीं करूंगा। पहला जो है यहाँ पे दोनों के लिए हम कह सकते हैं फॉर अनग्रुप्ड एंड डिस्क्रीट डेटा, इसके लिए होगा डीजे यानी वैल्यू ऑफ जे एन प्लस वन बाय टेन करना है, टेंथ ऑब्जर्वेशन। और परसेंटाइल में होगा पीजे, दैट विल बी वैल्यू ऑफ जे एन प्लस वन बाय हंड्रेड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पार्ट, और उसके लिए जैसे हमने आगे कहा था वैसे ही होगा, ठीक है। एन विल बी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर अनग्रुप डेटा, सिग्मा एफ आई फॉर डिस्क्रीट डेटा, ठीक है। एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। फिर उसी तरह से फॉर कंटिन्यूअस डेटा, खाली मैं स्टार्टिंग वाली फॉर्मूला ही मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, बाकी पूरा पार्ट मटेरियल में भी हमने आपको दिया है, बुक के अंदर भी दिया हुआ है। सो डीजे की फॉर्मूला में होगा एल प्लस जे एन बाय टेन माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी, और पीजे में होगा फॉर्मूला का हिस्सा वही है, खाली बदलता क्या है, यहाँ पे जे एन बाय टेन है, यहाँ जे एन बाय फोर है, वहां पे ओनली एन बाय टू। पीजे के अंदर होगा एल प्लस जे एन बाय हंड्रेड, हंड्रेड इससे करता है परसेंटाइल यानी हंड्रेड आएगा, माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी, ठीक है। जिसके अंदर हमें डीजे क्लास ढूंढना होगा, इसी तरह से क्लास हैविंग जे एन बाय टेन का ऑब्जर्वेशन, उसमें पीजे ढूंढना होगा क्लास हैविंग जे एन बाय हंड्रेड का ऑब्जर्वेशन। फिर अगेन सेम पार्ट, एल लोअर बाउंड्री पॉइंट फॉर द डीजे क्लास, पीजे क्लास, सिमिलरली सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, देन द डीजे और पीजे क्लास, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द डीजे क्लास जो भी हो एंड पीजे क्लास कह सकते हैं, सी विल बी द क्लास लेंथ फॉर नेचुरली डीजे क्लास एंड सेम एज फॉर पीजे क्लास, ठीक है। तो फॉर्मूला का पूरा पार्ट है, दो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किए, बाकी उसी तरह का हिस्सा है, सो आई एम नॉट रिपीटिंग द सेम पार्ट। अब उसे हम देखते हैं लाइव हमारे एग्जाम्पल्स के अंदर, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.4 के और एक्सरसाइज 3 के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। तो शुरू करते हैं बच्चों, अब एक्सरसाइज नंबर 3.4 का पहला एग्जाम्पल है। इस लेक्चर में हम पहले दो पार्ट को ऑब्जर्व करेंगे यानी अनग्रुप एंड डिस्क्रीट डेटा वाला एग्जाम्पल, फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है वो कंटिन्यूअस जो भी डेटा होता है उसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है बच्चों, क्वेश्चन दिया गया है नंबर वन, फाइंड ऑल क्वार्टाइल्स ऑफ द गिवन डेटा बिलो अबाउट मार्क्स स्कोर्ड बाय 15 स्टूडेंट इन द क्लास टेस्ट। सो क्वार्टाइल्स ढूंढने हैं, ऑल क्वार्टाइल्स, डेटा जो है वो कुछ इस तरह से दिया गया है, वैसे आप बुक के अंदर पेज नंबर 98 पे देख सकते हो इसे। बच्चों सबसे पहले इसके अंदर आपको ये याद रखना है इसमें कि डेटा जो है उसमें हमें असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, बाद में हम फॉर्मूला कोई भी पोजिशनल एवरेज की अप्लाई कर पाएंगे, यानी ऑब्जर्वेशन पहले काउंट कर लेना है, 15 ऑब्जर्वेशन दिए हैं, सो अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। सो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, सबसे छोटा है 0, 0 के बाद है 2, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4, दो जगह पे है, दो बार है तो दो बार लिखना है, 4 के बाद 5, 5 इट इज आल्सो 2 टाइम्स, देन 6, 6 एंड 6, 6 इज 3 टाइम्स, 6 के बाद 7, 7 इज आल्सो 2 टाइम्स, 7, देन 8, 8 इज आल्सो 2 टाइम्स एंड 9। तो आफ्टर अरेंजिंग इन द असेंडिंग ऑर्डर काउंट कर लेने का फिर से 3, 6, 9, 3, 12 और 3, 15 ऑब्जर्वेशन 15 दिए उन्होंने, हो गए। क्वार्टाइल्स पूछे उन्होंने, ठीक है, तो फर्स्ट क्वार्टाइल Q1, वैसे हमने फॉर्मूला Qj की लिखी थी बच्चों, दैट वैल्यू ऑफ जे एन प्लस वन बाय क्वार्टाइल्स कितने हिस्से करते हैं, 4, ठीक है, तो एन प्लस वन बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सिंपली ये काम हमें करना है, ये कॉमन फॉर्मूला है, jth क्वार्टाइल हमने लिखा था। अब फर्स्ट क्वार्टाइल हम कहने वाले हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल यानी Q1, दैट इज j की जगह 1 रखना है, वैल्यू ऑफ 1 रखने की आवश्यकता नहीं है, n प्लस 1 बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन,
ऑब्जर्वेशंस को हमने अरेंज किया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में, और एन क्या है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हियर एन इज इक्वल टू 15, ठीक है। सो रख देते हैं दैट वैल्यू ऑफ 15 प्लस 1 बाय 4 यानी 16 बाय 4 दैट विल बी फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन गिन लेने का 1, 2, 3 and 4 दैट इज एग्जैक्टली 4। तो हम कह सकते हैं कि 25% ऑफ द डेटा ऑफ द वैल्यूज विल हैव Q1 यानी 4। पहले 25% ऑब्जर्वेशन है उनकी वैल्यू 4 या 4 से कम होगी, देख सकते हो 4, 3, 2 and 0। तो यह हो गया हमारा फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है। अब सेकेंड क्वार्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं, Q2 इट इज नथिंग बट अवर मीडियन। तो Q2 के साथ मीडियन भी इंक्लूड हो जाता है बच्चों यहाँ पे। सो वैल्यू ऑफ यहाँ पे मैं Q2 करके लिख रहा हूँ, वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स n प्लस 1 बाय 4th ऑब्जर्वेशन, टेक्निकली इसे कहे तो इट इज नथिंग बट n प्लस 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन, जो पहले भी समझा चुके हैं कि मीडियन एंड सेकेंड क्वार्टाइल दे आर ऑलवेज सेम। सो सिंपली करना है वैल्यू ऑफ n की जगह पे अगेन 15 प्लस 1 बाय 2 16 बाय 2 यानी हम कह सकते हैं 8th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो आपको काउंट करना है 8th ऑब्जर्वेशन यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। वैसे ये आगे वाले स्टैंडर्ड में आप इस टाइप के एग्जांपल्स को तो ऑब्जर्व कर ही चुके होंगे, मगर वो मीडियन में किया होगा। सो Q2 की वैल्यू 6 है यानी हम कह सकते हैं कि 50% ऑब्जर्वेशंस विल हैव वैल्यू 6 और लेस देन 8, 6 या उससे कम 50% ऑब्जर्वेशंस रहते हैं, ऐसा हम यहां पे कहते हैं अकॉर्डिंग टू Q2। Q3 यानी 75% होता है। सो कैलकुलेशन वाइज वैल्यू ऑफ 3 टाइम्स n प्लस 1 बाय 4th ऑब्जर्वेशन, सिंपल सा टास्क है, जैसे हमने किया अभी वैसे ही काम करना है, ठीक है। इसमें रॉ डेटा या अनग्रुप डेटा में n ऑब्जर्वेशंस को कहा जाता है, डिस्क्रीट डेटा अभी नेक्स्ट हम देखेंगे उसके अंदर हम करते क्या है तो n यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल लिया जाता है, ठीक है। सो n 15 है अगेन, 3 टाइम्स 15 प्लस 1 बाय 4th ऑब्जर्वेशन यानी 3 इंटू 15 प्लस 1 यानी 16, 16 बाय 4 यानी 4, 3 इंटू 4 दैट इज हम कह सकते हैं इट इज 12th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो 12 नंबर का ऑब्जर्वेशन आपको गिनना है, सो 8, 9, 10, 11 and 12। सो Q3 की वैल्यू थर्ड क्वार्टाइल जो है वो हमें क्या मिलेगा 7, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें बोला था फाइंड ऑल क्वार्टाइल्स, अगर आपको कहते हैं कि इंटरप्रेट इट, अगर इंटरप्रेट करने का कहे तो आप कह सकते हो कि 25% ऑब्जर्वेशन विल हैव वैल्यू 6 और लेस देन 6। Q3 के लिए कह सकते हैं 75% ऑब्जर्वेशन विल हैव वैल्यू 7 यानी कि Q3 और लेस देन 7, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 75% ऑब्जर्वेशन आ चुके हैं, बाकी के 25% है उनकी वैल्यू 7 से क्या होगी ज्यादा। तो ये हुआ हमारा पहला अनग्रुप डेटा रॉ डेटा का एग्जांपल। ऐसे ही अगर डेसाइल्स भी पूछा जाता है तो हमारे पास डीजे की फॉर्मूला है, इसी फॉर्मेट में कंटिन्यू करके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं एक एग्जांपल जिसके अंदर डिस्क्रीट डेटा दिया हो और उसमें हमें परसेंटाइल्स भी पूछा गया है, जैसे कि सम नंबर 3 उसे ऑब्जर्व करते हैं। तो बच्चों एक्सरसाइज 3.4 का सम नंबर 3 क्वेश्चन मैंने रेडी रखा हुआ है ताकि उतना वक्त बचे आपको समझाने में, मैं ज्यादा टाइम दे पाऊं। तो डेटा दिया गया, जब भी इस टाइप का डेटा दिया जाए बच्चों इसे कहा जाता है डिस्क्रीट डेटा। एज वी लर्न इन चैप्टर नंबर 2 डिस्क्रीट होता है, कंटिन्यूस डेटा होता है, xi x एंड f दिया जाता है, इसे आप x कह सकते हो xi, इसे आप fi कह सकते हो। अब जब भी हमें मीडियन यानी कोई भी पोजिशनल एवरेजेस फाइंड करने हो बच्चों तो सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जिसे CF या CFI कहते हैं। करना कैसे है ये काम चैप्टर 2 में देख चुके हैं, 11 11 प्लस 14 यानी 25 25 प्लस 22 यानी 47, 47 प्लस 15 यानी 62, 62 प्लस 8 यानी 70, 76 and 80। एंड एन भी आप ऑब्जर्व कर पाओगे, एन इज नथिंग बट एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई विच इज एग्जैक्टली 80 हियर। ये मैचिंग हो जाना चाहिए, ये मैच जनरली हो ही जाना चाहिए, ठीक है। तो 80 हमारे पास डेटा रेडी है और अब हमें पूछा गया है फाइंड सबसे पहले मीडियन।
अब इसके अंदर ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी देख सकते हो, डेटा जो भी है यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में ही दिया हुआ है 17, 18, 19, इसमें आपको अरेंज करने की जरूरत नहीं होती है, फिर भी चेक कर लेने का। और अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले मीडियन, तो मीडियन की फॉर्मूला अगेन वही है, डायरेक्ट कहे तो दैट इज वैल्यू ऑफ एन प्लस वन बाय टू एथ ऑब्जर्वेशन। मगर इसके अंदर बच्चों खास ध्यान रखना है, ये जो ऑब्जर्वेशन हम लिखते हैं उसके अंदर मैंने आगे भी कहा था इन सी एफ आई, ठीक है, इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको ये जो भी कैलकुलेशन करनी है एन एटी है, देखिए मैं लाइव ही दिखा रहा हूँ, वैल्यू ऑफ एन यानी 80 प्लस 1 बाय 2 यानी 81 बाय 2 दैट विल बी 40.5, 40.5th ऑब्जर्वेशन इन सीएफ, ये हमें समझना होता है 40.5th ऑब्जर्वेशन। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होगा कि 17 एज तक कितने पर्संस हैं, तो 11 स्टूडेंट्स हैं, 18 एज तक अप टू 18 वी हैव वैल्यू अप टू 25, अप टू 25 स्टूडेंट्स कह सकते हैं, 19 में अप टू 19 एज तक कितने स्टूडेंट्स हैं, 47 स्टूडेंट्स, तो 40.5 इज इंक्लूडेड अप टू 47 में, 47 तक ऐसा हम कहते हैं, और 40.5 47 के पहले आ ही जाता है, ठीक है, यानी 40.5 जो है हमारा वो इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इंक्लूडेड है, उसके सामने वाले जो वैल्यू ऑफ एक्स होगी उसे हम क्या कहेंगे, एम, यानी कि हमारा मीडियन। अब क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कहा है ऑल्सो इंटरप्रेट इट, देख सकते हो बुक के अंदर पेज नंबर 98 पे लिखा हुआ है, ठीक है, इंटरप्रेट देम, तो ये 19 है उसका मीनिंग क्या है, 19 जो है वो है क्या, तो एज है, ठीक है, इन ईयर्स, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यूनिट लिखना चाहिए पीछे अगर यूनिट्स दिए हैं क्वेश्चन के अंदर, तो 19 इयर्स है, तो हम कह सकते हैं इंटरप्रिटेशन इसका कहना है तो ये मेंशन कर सकते हैं मीडियन के लिए कि एज ऑफ 50% स्टूडेंट्स, क्योंकि मीडियन 50% कहता है, इज 19 इयर्स और लेस देन 19 इयर्स, ओके, शॉर्ट में लिखे तो 19 इयर्स और लेस, ठीक है, 19 या उससे कम जो है वो उनकी क्या होगी, एज होगी, कितने स्टूडेंट्स की, पहले 50% एज ऑफ 50% स्टूडेंट्स इज 19 इयर्स और लेस, देख सकते हैं 19, 18 या 17, तो ये पहला पार्ट हुआ। इंटरप्रिटेशन में ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपका जो भी ये हिस्सा है जिसकी वैल्यू मिल रही है उसी को हम 50%, 25%, 10% जो भी दिया जाए उस हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे। नेक्स्ट इज Q1, सो Q1 हम लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ एन प्लस वन, Q1 यानी क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल्स यानी डिवाइड बाय 4, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ब्रैकेट में मैं समझने के लिए लिखता हूं इन सी एफ आई, ना देखो वो इन सी एफ आई तो भी अंडरस्टैंडिंग उसी तरह से है, सो एन प्लस वन बाय फोर, एन यानी 80, 80 प्लस वन बाय फोर यानी 81 बाय फोर, तो कैलकुलेटर के अंदर जाके कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, तो मैं निकाल रहा हूँ मेरा कैलकुलेटर, ठीक है, फिलहाल अभी इस मोबाइल के अंदर ही कैलकुलेट कर रहा हूँ, सो यू हैव टू यूज कैलकुलेटर, 20.25, ठीक है, 20.25 जो है वो कौन सी CFI क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इंक्लूड होगा उसे आपको ऑब्जर्व करना है, तो नेचुरली 11 अप टू 11, 11 तक, 11 में 20 तो आएगा नहीं, अप टू 25 यानी ये जो ऑब्जर्वेशन है उसमें हमें मिल रहा है हमारा क्वार्टाइल यानी 18, ठीक है, तो Q1 की वैल्यू क्या होगी, 18। CFI में सामने जो x मिलता है उसी को कहते हैं हम, और इंटरप्रिटेशन कहते हैं, तो Q1 यानी 25%, सो हम कह सकते हैं एज ऐसे लिख सकते हैं, या मैंने जैसे ऊपर कंटिन्यू करता हूं ऊपर वाला फॉर्मेट, एज ऑफ 25% स्टूडेंट्स इज 18 इयर्स और लेस, 18 या उससे कम है वो हम कह सकते हैं इंटरप्रिटेशन के अंदर। तो D4 के लिए आगे बढ़ते हैं, DJ की फॉर्मूला होती थी वैल्यू ऑफ JN प्लस 1 बाय 100, हां JN प्लस 1 बाय 10, तो हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ 4 टाइम्स N प्लस 1 बाय 10th ऑब्जर्वेशन
जे वाली फॉर्मूला याद रखना है इन सी एफ आई, यहाँ पे तो क्यू वन था इसलिए वन लिखने की जरूरत नहीं थी। सो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वैल्यू ऑफ 4 इंटू 80 प्लस 1 बाय 10 यानी 4 टाइम्स 8.1, ठीक है। सो 8.1 इंटू मुझे करना पड़ेगा नेचुरली 4, 8.1 इंटू 4 दैट इज 32.4। सो 32.4 ऑब्जर्वेशन जो हमें ऑब्जर्व करना होगा यहाँ पे, और देख सकते हैं 32 कहाँ पे इंक्लूड होगा, 25 में तो नहीं होगा, 47 में, यानी हमारी वैल्यू लकीली अगेन क्या होगा 19। सो 19 इयर्स कह सकते हैं हम यहाँ पे। तो इंटरप्रिटेशन हमारा होगा दैट एज ऑफ 40% डीफोर यानी 40% ऑफ द स्टूडेंट्स, 40% स्टूडेंट्स is 19 years or less। थोड़ा सा अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन अलग कर सकते हो, कोई कष्ट नहीं है, ठीक है। एंड लास्टली कहते हैं हम P32, तो जैसे यहाँ पे 4 रखा वैसे 32 रखने हैं, यानी वैल्यू ऑफ 32 n प्लस 1 बाय 100th ऑब्जर्वेशन। तो ये याद रखना है जेएन बाय 100th ऑब्जर्वेशन कॉमन फॉर्मूला हम आगे कह ही चुके हैं। सो दैट इज वैल्यू ऑफ 32 दैट इज 80 प्लस 1 बाय 100, सो दैट इज 32 इनटू 0.81 होगा। एंड अगेन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए 0.81 इनटू 32 सो दैट इज 25.92 ऑब्जर्वेशन। तो 25 तक ध्यान रखना है, 25 इंक्लूड होगा यहाँ तक, अगर 25 के बाद भी कोई भी वैल्यू है बच्चों तो वो 47 में इंक्लूड होगा, अप टू 47। तो इसके लिए भी आंसर लकीली क्या आ रहा है 19, ठीक है। तो 32% कह सकते हैं, अगर इंटरप्रिटेशन अगर आपको करना है तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि एज ऑफ 32% स्टूडेंट्स इज 19 इयर्स और लेस, ठीक है। So, कह सकते हैं यहाँ पे एज ऑफ 32% स्टूडेंट्स इज 19 इयर्स और लेस, ठीक है। तो ये हो गया इसका इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अलग से ऐसे इंटरप्रिटेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा नीचे आप इंटरप्रेट इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल हो गया हमारे डिस्क्रीट डेटा का। इस टाइप के अगर आपको ऑब्जर्व करने बच्चों तो इलुस्ट्रेशन जो है हमारे पास, इलुस्ट्रेशन उसमें ऐसे हमारे पास सम्स दिए गए हैं जिसके अंदर आप ऑब्जर्व कर पाओगे। इलुस्ट्रेशन नंबर 27 है, इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, इलुस्ट्रेशन 27, इलुस्ट्रेशन 25, इलुस्ट्रेशन 25 जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, खास ध्यान रखना। तो दो इलुस्ट्रेशन आप ऑब्जर्व कर पाओगे, इलुस्ट्रेशन 25 एंड इलुस्ट्रेशन नंबर 27, ठीक है। तो इन दोनों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है और आज जो सम करवाया वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हम ऑब्जर्व करने वाले हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एग्जांपल्स, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यहाँ तक का काम रखेंगे बच्चों। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन for notifications.